हम आत्मिक परिपक्वता पर एक श्रृंखला कर रहे हैं जो कि याकूब की पुस्तक से ली गई है। इसका शीर्षक है परीक्षा, परख, परीक्षण और विजय। प्रभु का धन्यवाद, परीक्षा के अंत में हमेशा विजय ही होती है, हम विजयी होते हैं। आज हम उन चीजों के विषय में चर्चा करेंगे जो याकूब कहता है। याकूब की किताब में वो पांच मुख्य बातों के विषय में कहता है जो कि आत्मिक रूप में सिद्ध न होने के चिन्ह हैं। यदि हम सिद्ध नहीं हैं तो हम इसे जानना चाहेंगे, इसीलिए इन चिन्हों को पहचानना जरूरी है। पहली बात जो वो कहता है वो है परीक्षाओं में संयम खो देना और परीक्षा में स्थिर होना नहीं जानना और कैसे जीवन का आनंद उठाएं ये नहीं। मेरे जीवन में अभी भी कुछ संयम नहीं है, जब सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार नहीं होता तो मैं जानता हूं कि अभी वो मुझ में बढ़ने की संभावना है। दूसरी बात वो कहता है जिस पर हमने अभी तक चर्चा नहीं की है परंतु आप करेंगे, वो है मुंह। हे प्रभु, हम वहां ना जाए तो बेहतर है। याकूब भी कहता है कि जो वचन सुनता है परंतु उसके अनुसार नहीं करता वो सिद्ध नहीं है। ये मानो आत्मिक खेल खेलने के समान है। मैं मीटिंग में गई, मैंने एक टी शर्ट खरीदी, वहां मैं बैठी रही, फिर चल दी और मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला क्योंकि मैंने जो सुना उसके अनुसार नहीं किया। इससे हमें मदद नहीं मिलती, ना इससे किसी और को मदद मिलती है। वचन पर चलना बहुत बड़ी बात है। आज हम इसके बारे में थोड़ी देर और चर्चा करेंगे क्योंकि वचन पर न चलने का कारण है कि वे धोखा खा जाते हैं। उसने कारण बनाने के विषय पर भी बात की, संघर्ष की बात की, ईर्ष्या ढा औरों के साथ न निभाने पर भी बात की। उसने कहा यह सब आत्मिक रूप में सिद्ध न होने के चिन्ह है। पौलुस ने अलग अलग तरीकों से यही बात कही और पत्रस ने भी इनके बारे में चर्चा की है। सो ये पांच चीजें बढ़ने के बारे में बताती रहीं और हम इन्हें जानते रहे। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहूंगी, अगली बार हम मजाक सोचकर अपने को धोखे में ना रखें कि हम वो हैं जो कि वास्तव में हम नहीं हैं। याकूब 1:19-22, पिता इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद और मेरा विश्वास है कि सही समय पर सही लोगों को तूने रखा है और ये दैविक साक्षात है और तेरा वचन लोगों के जीवन में फल उत्पन्न करेगा और बदलाव होगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य क्रोध में परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। पहली बात यह है कि याकूब उनके बारे में लिखता है जो चिड़चिड़े थे, बातें अधिक करते थे और आसानी से क्षुब्ध हो जाते। क्या आप जानते हैं कि आसानी से क्षुब्ध होना एक चिन्ह है, ये आत्मिक सिद्ध न होने का चिन्ह है। तुमने मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई तो उस पर जय पाओ। जो लोग यहां चर्च आए उनमें शायद क्रोधी भी होंगे और शायद आप उनके साथ आए होंगे जिन पर आपको क्रोध है। याकूब कहता है उन बेकार की बातों को दूर कर दो जो प्रभु की धार्मिकता को बढ़ावा नहीं देती। याकूब अध्याय 1:21, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को अपने आप से दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखिए, वचन में सामर्थ्य है। जैसा कि मैं कई वर्षों से कहती हूं कि वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में अंदरूनी सामर्थ्य है। तो जब आप आकर ऐसी संगति में बैठते हैं जहां सिर्फ बातें ही नहीं की जा रही हैं परंतु प्रभु के वचन को सही मनोदशा से बताया जा रहा है, प्रभु कहता है मेरे वचन आत्मा और जीव हैं और अगर आप इसे सही मनोदशा से स्वीकारें,
हर कोई ऐसा नहीं करता, जानते हैं ऐसी संगति में लोग आते हैं और वचन के प्रचार के समय जरा भी सम्मान नहीं रखते हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कि उनके पास जाकर उन्हें सीट से घसीट कर बाहर जाने के लिए कहूं। कभी कभी प्रचार के समय लोग बैठे बैठे बाजू वाले के साथ बातें करते रहते हैं। वचन का प्रचार सुनते समय लोगों को खाना नहीं चाहिए, यह कोई फुटबॉल का खेल नहीं या बेसबॉल का खेल नहीं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस लगाना नहीं चाहती, परंतु परमेश्वर के लिए, अद्भुत बातों के लिए और वचन को लाने वाले के लिए जो सम्मान होना चाहिए वो हम खो चुके हैं। और मुझे लगता है कि वचन के प्रति अपनी मनोदशा को यदि हम उन्नत करें तो हमें और लाभ होगा। ना कभी देर से आना, ना जल्दी निकलना, ना इधर उधर घूमना, बहुत ही जरूरी काम ना होना, क्योंकि इससे दूसरों की संगति भंग होती है जब भी आप उठकर कहीं जाने को होते हैं। सो वो कहता है, सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। उन लोगों से प्रचार करते हुए मुझे आनंद आता है जो कि मानो उत्सुक होते हैं और मानो वे सुनने के लिए आए हैं, वे वचन ग्रहण करने के लिए आए हैं। वे इसलिए नहीं आए कि उन्हें कुछ न कुछ करना था, क्योंकि उन्हें कोई और काम नहीं था। वे जानते हैं कि वचन सामर्थी है और प्रभु के लिए। जब भी कभी कोई कहे कि संदेश का विषय क्या होगा, आप कभी ना सोचिए ये तो मैं सुन चुकी, मुझे उसकी जरूरत नहीं। मुझे आशा है कि आपके प्रचार में मेरी जरूरत पूरी होगी। ओ प्रिय हृदय, जब तक आप इसे ना करें आपको इसकी जरूरत है, और उसे करने के बाद भी आपको उसे फिर से ताजा करने की जरूरत है। आपने उसे रेखांकित किया, इसका यह अर्थ नहीं कि आप इसे जानते हैं। कभी कभी हम बाइबल को एक रंग भरने की किताब बना देते हैं, इससे हमें आत्मिक भावना आती है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम कुछ जानते हैं। अब मैं रेखांकित करती हूँ, गोल चिन्ह लगाती हूँ, नोट्स लिखती हूँ। मुझे याद है जब मैं एक नई विश्वासी थी और नहीं समझती थी जो मैं अब समझती हूँ। मुझे अच्छे से याद है पास्टर कहते थे कि ये पेज निकालो, और मैं वो पन्ना निकालती। यदि मेरे पास कुछ पीले और गुलाबी मार्कर होते तो मैं उन्हें रेखांकित करती। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सोचने लगती कि मेरी बाइबल बाजू वाला व्यक्ति अवश्य देख ले। अब ये ना कहिए कि आपने ऐसा नहीं किया, मैं सिर्फ कहने का साहस कर रही हूँ। अगर आपने अपनी बाइबल को रंगों से भर दिया है, ये न कहना कि आपने कभी नहीं चाहा कि आपका पड़ोसी उसकी ओर देखे और आपके बारे में सोचे कि हाँ वाह वाह कितना बड़ा विश्वासी है, कैसे आत्मिक रूप में सिद्ध है। उसके बाद क्या होता है जब प्रभु उसे दे देने के लिए कहता है। प्रभु ने मेरे साथ यही किया था। मैं अफ्रीका में थी और मेरी बाइबल में निशान लगे थे, रंग भरे थे, रेखाएं थी, गोल निशान हर जगह थे, और उसने कहा कि मेरी पुस्तक प्रचारक की पत्नी को दे दूं। अब फिर से मुझे रेखांकित करना शुरू करना। देखिए सिद्धता के बारे में हमें कैसे कैसे विचार आते हैं ना। आज इसे समझ ले, जो आप पढ़ते हैं उसी पर चलना आत्मिक सिद्धता की पहचान है। केवल पढ़ना ही नहीं, हो सकता है कि हम हर वचन मुंह से बोल सकते हैं लेकिन फिर भी उस पर चलते नहीं। पद 22, वचन के अनुसार करने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो खुद को धोखा देते हैं। तर्क के द्वारा जो कि सत्य के उल्टा है। इस बात का आपको एक उदाहरण देती हूँ। ये कहानी मैं बता चुकी हूँ और आप मुझे टेलीविजन पर देखते हैं, आपने शायद सुना होगा। फिर भी ये ज़रूरी है और समझने में मदद करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इसे खो दें। हम तर्क के द्वारा खुद को धोखा देते हैं, इसका अर्थ क्या है। हम या तो इस वचन को या फिर प्रभु से एक ऐसा वचन पा सकते हैं, इसका अर्थ है प्रभु आपके हृदय में कुछ कहता है, जो कि यहाँ अंदर में किसी चीज का हिस्सा है या यहाँ अंदर कुछ सिद्धांत है। उदाहरण के लिए शायद आप आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु शायद आपसे कहे कि आप अपनी कुछ चीज किसी दूसरे को दे दें। आश्चर्य की बात है कि कितने लोग प्रभु की आज्ञा के विरोध में उसे रख लेते।
समस्या यह है कि प्रभु आपको जो देने के लिए कहे, यदि आप उसे रख ले तो आप उस चीज को रख रहे जो आपकी नहीं है, क्योंकि यदि प्रभु उसे मांगता है और आप उसे रख लेते तो आप उसका आनंद कभी नहीं ले सकते। यह आपके आनंद के लिए कभी अभिषिक्त नहीं होगा, या शत्रु उसे आपसे छीन लेगा, दोनों में से एक होगा। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगी, मैं जानती हूं कि यह सत्य है। मैंने एक लाल ड्रेस खरीदी थी, ये कई वर्षों पहले की बात है। मैंने एक साइज बड़ी ली थी क्योंकि उसकी बनावट ही ऐसी थी, उसकी कमर में इलास्टिक थी और उसका ड्रॉप शोल्डर था और उसके कंधों पर सिलाई नहीं थी, और हालांकि वो मुझसे एक साइज बड़ी थी, फिर भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो मुझे इतनी पसंद थी कि मेरी साइज की ना होने पर भी मैंने वो खरीद ली। ड्रेस लाल थी इसलिए मैंने उनसे मेल खाने वाली लाल रंग की चांदी की बालियां खरीद ली। मैंने उसे एक प्लास्टिक बैग में रखकर अपनी अलमारी में लटका कर रखा था, और जब भी मैं उसे पहनने के लिए जाती तो सोचती कि नहीं आज रही। अब उसे वहां लटके हुए 3 महीने हो गए हैं, मैंने वो ड्रेस और ईयर रिंग कभी नहीं पहनी। एक दिन सुबह जब मैं एक महिला के लिए प्रार्थना कर रही थी जो हमारी साप्ताहिक सभाओं में स्वेच्छा से काम करती हैं, उन दिनों में हमारे पास कर्मचारी नहीं थे, मैं जैसे अब हूँ वैसे उस वक्त सेवकाई में नहीं थी, सेंट लुइस के आसपास मेरी छोटी सभाएं हुआ करती थी, और मैं उस महिला के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसका नाम है रूथ एन। मैंने कहा प्रभु रूथ एन के लिए कैसे आशीष दूँ, वो हमारे लिए आशीष बनी है सेवा में और हर मंगलवार सभा की व्यवस्था में, मैं रूथ एन के लिए आशीष कैसे बन सकती हूँ। और तुरंत यहाँ भीतर में, ना कि यहाँ और ना ही भावनाओं में, यहाँ नीचे भीतर मैं जान गई कि मुझे वो लाल ड्रेस दे देनी है। देखिए अब ये सारी बातें इतनी तेजी से हो सकती हैं। मैंने कहा ये प्रभु नहीं हो सकता, ये ड्रेस नहीं है। वो प्रभु नहीं हो सकता, वो नई ड्रेस है, और ऊपर से मैंने इसके लिए $100 दिए हैं प्रभु। जैसे कि प्रभु नहीं चाहता कि मैं कुछ नया दे दूं, जानते क्यों, क्योंकि मैं पुरानी चीजें दिया करती थी जो मैं पहन चुकी थी, और प्रभु मुझे देने के एक ऊंचे स्तर पर ला रहा था ताकि मैं ऊंचा स्तर ग्रहण कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो आपको एक ऐसी स्थिति में रख रहा है जहां वो आपको और दे सके। आप कई बार बहुतायत के लिए प्रार्थना करते परंतु अधिक बीज बोने के लिए तैयार नहीं होती, परंतु मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ही क्षणों में प्रभु ने मुझे बताया कि क्या करना, और मैंने तुरंत अपने आप से बातें की। बाइबल कहती है कि यदि तुम वचन को सुनो, मैंने प्रभु को सुना, परंतु वचन के अनुसार नहीं करते तो तुम अपने आप को धोखा देते हो तर्क द्वारा जो सत्य के विपरीत है। मैं कहानी को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। 3 महीने बाद मैं फिर प्रार्थना करी थी, परमेश्वर ने वही बात बताई, और अंत में मैंने वो ड्रेस उसे दे दिया। वो यहाँ काम करती और अब भी उसे पहनती है। परंतु मेरा अर्थ ये है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने, शैतान के धोखे से आत्मधोखा अधिक गंभीर है। आप पूछेंगे आत्मधोखा गंभीर क्यों है? क्योंकि आत्मधोखा उस निर्णय पर आधारित है जहां हम सही जानते हुए भी उसे नहीं करते हैं, चाहे वो क्षणिक ही आखिर क्यों ना हो। मैं उस परिस्थिति में अपने लाल ड्रेस के बारे में कह रही हूं क्योंकि मैं जानती थी कि यहां भीतर मैं जानती थी कि वो परमेश्वर है, परंतु मैं वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं बहाने बना देती, सामने तर्क रखती। और देखिए ये सब इतनी तेजी से हो गया कि जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरह से मैं समझ भी नहीं पा सकी, परंतु वो समय ऐसा था जब मैंने निर्णय लिया कि मैं वो नहीं करूंगी जो मैं जानती थी कि सही है। यही बात कई बार होती है, हम अपने ही मुंह के कारण अक्सर संकट में फंस जाते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसा समय होता है जब हम जानते हैं मुझे कहना नहीं चाहिए था, परंतु मुझे आपका भेद बताना नहीं चाहिए, परंतु मुझे ये बुरी खबर फैलानी नहीं चाहिए थी, परंतु क्या मैं सही हूं, क्या मैं सच कह रही हूं? याकूब की किताब क्या बताने की कोशिश कर रही है कि हमें ये सब चीजें बंद करनी होगी क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। यदि हम ये सोचते हैं कि हम गलत चुनाव करके सही परिणाम पाएंगे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और इसे अपनी नोट्स में मैंने लिख लिया क्योंकि मुझे लगा कि परमेश्वर ने इस बात को मेरे हृदय में डाला। देखिए मैंने बहाने बनाए, परंतु मेरे बहाने को प्रभु से क्षमा नहीं मिली।
देखिए, आप भी बहाने बना सकते हैं, मगर आपका बहाना प्रभु के सामने आपको क्षमा नहीं दिलाता है। हमें फिर भी परमेश्वर के सामने हिसाब देना होगा। चाहे जितने बहाने आप बना ले, हमें खुद को धोखा देना बंद करना होगा। कमान, अच्छी बात है कि कुछ लोग इसे समझ रहे हैं। देखिए, अपनी क्रियाओं की जिम्मेदारी लेने के महत्व को मैं समझती हूं, क्योंकि मैं सोचती हूं कि जब तक हम दोष थोपते रहें, और ये तो अदन की वाटिका से शुरू हुआ था। परमेश्वर ने आदम से कहा, ये तूने क्या किया? हाँ, जो स्त्री तूने मुझे दी, प्रभु उसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। कितनी हास्यास्पद बात है ये। उसने केवल हवा पर ही दोष नहीं लगाया, परंतु उसने परमेश्वर पर दोष लगाया कि उसने उसे ये दिया, जैसे कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ये बात इब्राहिम और सारा के साथ भी हुई, और यही क्रम चलता रहा बाइबल में। दोष लगाना, किसी और पर दोष लगाना, मैं क्रोधित हूं परंतु आपने मुझे क्रोधित किया। इसलिए क्रोध नहीं करना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, प्रेम में चलना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्षमा में चलना मेरा काम नहीं है, मुझे क्रोधित ना होने देना आपकी जिम्मेदारी है। आप ताली बजाएं या ना बजाएं, परंतु ये सत्य। मैं इसे दोबारा कहना चाहती हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। देखिए, आत्मधोखा शैतान के धोखे से अधिक गंभीर है, क्योंकि जब आप खुद को धोखा देते हैं, इसका अर्थ है कि आप जानते हैं कि सही क्या है। शायद कहीं इसने क्षण भर का समय लिया, हमने गलत काम करने का चुनाव किया है, और ये सोचना मूर्खता है कि हम गलत काम का चुनाव कर सकते हैं और सही परिणाम पा सकते हैं। आमीन। मेरा उद्देश्य है कि आप उन्नति पाएं। हर एक बाइबल शिक्षक का अपना एक अलग मुकाम होता है। कुछ लोग बढ़ोतरी पर सिखाने के लिए बुलाए जाते हैं, कुछ लोग प्रचारक हैं, और कुछ लोग प्रोत्साहित करने वाले हैं। देखिए, मैंने उन सबको गंभीरता से लिया, परंतु मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं जानती हूँ, और जिस दिन से प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं उसी दिन से जानती हूँ कि विश्वासियों को परिपक्व होने और बढ़ने में मदद करने के लिए मैं बुलाई गई हूँ। मेरे जीवन पर यही बुलाहट है। ये दुख की बात है कि हम उद्धार पाएं और उसका आनंद न लें, और ये दुगनी दुख की बात है कि उद्धार होने के बाद भी हम कभी भी किसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सके। मैं कई वर्षों तक अपरिपक्व मसीह होकर रही, चर्च जाती रही, और मुझे परमेश्वर से प्रेम था, मैं कोशिश कर रही थी, परंतु इस तरह का प्रभावशाली प्रचार जो मैं अब कर रही हूँ कोई नहीं कर रहा था, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। हर हफ्ते मैं सुनती रही सिद्धांत। निश्चय ही हमें अच्छे सिद्धांत चाहिए, परंतु हमें जीना निश्चय ही सीखना है। हमें सीखना है कि सबके साथ कैसे निभाएं, ये भी सीखना है कि आत्मा का फल कैसे दिखाएं। हमें जानना है कि इस पापमय बेकार जीवन से कैसे मुक्त हों और पवित्रता और धार्मिकता में कैसे प्रवेश करें, और हमें उसका सामना करना है। मैं सोचती कि यदि आप कलीसिया की बात सुने तो आप बस आराम कुर्सी पर ही बैठे रहेंगे। आशा है आज आप थोड़े उत्तेजित हो जाएं। आपको नए स्तर तक ले जाने के लिए जो भी चाहिए, और क्या आप जानते हैं, आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे, परंतु मैं लोगों से हमेशा कहती हूं, जब आप जाएंगे उस वक्त कम से कम आप उलझन में तो नहीं होंगे। मैं घुमा फिरा कर कुछ नहीं कहूंगी, मैं इसे स्पष्ट रूप में बताऊंगी। आमीन। क्योंकि मुझे साफ बातें पसंद हैं। बहुत से लोग धोखा खाते हैं। देखिए मत्ती अध्याय 7। मैं सोचती हूं कि ये वचन महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद वो हमें अपनी ओर देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तुम उसके फलों से उसे पहचानोगे। हमें निश्चित करना होगा कि हम फल दर्शा रहे हैं। प्रभु कई लोगों को वरदान देता है, परंतु उनके पास अधिक फल नहीं होते कि उसे संभालें। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की
इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे, प्रभु प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और क्या हमने तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट रूप में कहूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है तो वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराने लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जो अपना घर रेत पर बनाता है। और मेह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराई और वो गिर कर नाश हो गया। सो वो यहाँ क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आप वचन सुन सकते हैं, परंतु यदि आप उस पर नहीं चलते, यदि इसकी जड़ आपके हृदय के अंदर नहीं पहुंची है, यदि आपके भीतर गहराई में नहीं है, तो क्या होने वाला है? याकूब कहता है कि एक और बात होगी, आपके जीवन में आंधियां चलेंगी और उनसे टक्कर लेने के लिए आपके पास मजबूत विश्वास की नींव नहीं होगी, क्योंकि जब तक कि हमारा विश्वास प्रभु के वचन की चट्टान पर ना बना हो वो काम नहीं करेगा। आप कहेंगे मेरी समझ में नहीं आता, आप हमसे बातें करें जॉयस कि हम निश्चित कर ले कि हम काम करें, और इन लोगों ने कहा कि उन्होंने काम किया और यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, यहाँ से चले जाओ। क्योंकि देखिए ये उन्नति करने वाली प्रणाली है। परमेश्वर विश्वास के बिना काम नहीं चाहता है और ना ही काम के बिना विश्वास चाहता है। पहले विश्वास आता है और फिर काम आता है। देखिए धार्मिकता कई बार हमें सिखाती है कि लोग भले काम करते हैं और वे परमेश्वर के साथ सही हो जाते हैं, और वो तो वचन के अनुसार नहीं है, ये दयनीय है। आप अपने भले कामों के द्वारा कभी भी परमेश्वर के साथ सही नहीं हो सकते। वो उद्धार की योजना नए नियम के हिसाब से नहीं है। पहले आप यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ सही हो जाएं, फिर जो कुछ परमेश्वर ने किया उसकी सराहना के रूप में आप सही काम करना चाहते हैं। आप वो इसलिए नहीं करते कि वो आपसे प्रेम करे, आप उसे उससे आज़ादी से प्रेम करते हैं इसलिए करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से दर्शक इस सेवकाई के साथ विश्वास योग्य मासिक सहभागी, और मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। सहभागी होने का अर्थ है कि आप इस सेवकाई में होने वाली हर बात के साथ सहभागी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जान लें और विश्वास करें कि परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा के द्वारा पूरे पृथ्वी पर हम उत्तम फल ला रहे हैं। हमारा टेलीविजन कार्यक्रम दो तिहाई संसार में 25 अलग अलग भाषाओं में प्रसारित होता है। आप ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां कई बार लोग भी नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु टेलीविजन सिग्नल हर जगह जा सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे मीडिया सेवकाई के लिए बुलाया है और हम हमारे प्रिंट के द्वारा, टेलीविजन और रेडियो के द्वारा हर संभव रूप में पहुंच रहे हैं। दोबारा आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। और यदि आप अब तक सहभागी नहीं और बनना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के नंबर पर फ़ोन करें, आप वेबसाइट देख सकते हैं और जानकारी पाएं, या आप हमें लिखें। फिर से धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सहभागियों का धन्यवाद देते हैं कि संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।